हेलो गाइस, आप सभी का मेरे इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ, आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ, वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। या ये जो आपके लिए नया वीडियो होगा, ये वीडियो इसके अंदर जो मैं एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये एल्गोरिदम आपने पहले नहीं पढ़ा होगा या इसके बारे में आपको पहले नहीं पता होगा, तो इसीलिए मैं आज इसको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम अपने नोट में रखेंगे और अपना जो एल्गोरिदम है उसको परफॉर्म करेंगे, ताकि जो है हमारा जब भी हम इसको अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करवाएं, अपने प्रोग्राम में इसको इंप्लीमेंट करवाएं, तो हमारा जो है प्रोग्राम वो बिना किसी एरर के, बिना किसी रुकावट के, वो अपना प्रोग्राम जो है, अपना काम जो है, वो बिल्कुल रन जो है बिल्कुल सही तरीके से हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल पे जो वीडियोस हैं, मैंने एल्गोरिदम्स की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। वो आपकी जो एल्गोरिदम की वीडियोस हैं, वो आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए, हम अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है कि डिलीटिंग द नोड विद द गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि हम लिंक्ड लिस्ट से एक नोड तो निकालेंगे, लेकिन उसमें हमें जो है नोड की बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। लेकिन ये वीडियो क्या है, डिलीटिंग द नोड विद द गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमें नोड डिलीट करना है जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके एल्गोरिदम से की तरफ जाने से पहले हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कि जिससे हम पहले फाइंड करेंगे कि वो लोकेशन जो नोड है वो कहाँ पे है, उसके जो सारा मटेरियल है, इन्फो लिंक वगैरह, उसको पहले हम फाइंड करेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसके ऊपर एक प्रोसीजर लगाते हैं, फाइंड डीबी। और इसके अंदर जो हम अपने वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, वो कौन से हैं, इन्फो मतलब कि इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ द नोड, लिंक मतलब कि लिंक पार्ट ऑफ द नोड, स्टार्ट क्या होता है कि स्टार्टिंग नोड जो होगी हमारी लिंक लिस्ट की, आइटम क्या होगी जिस नोड को हम डिलीट करवाना चाहते हैं उसको हम आइटम बोलेंगे। फिर लोकेशन क्या होगी, जो जिस लोकेशन के ऊपर हमारा आइटम पड़ा हुआ है उसको हम लोकेशन बोलेंगे। और LOCP क्या है, LOCP क्या है, लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड ऑफ द एक्चुअल नोड विच वी आर गोना डिलीट, मतलब कि वो नोड जो हमारे एक्चुअल नोड जिसको हम डिलीट करवाना चाहते हैं, उससे जो पहले नोड होगी उसको हम लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड बोलेंगे, उसकी लोकेशन को हम लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, दिस प्रोसीजर फाइंड्स द लोकेशन LOC ऑफ द फर्स्ट नोड प्रोसीडिंग एन। ये प्रोसीजर क्या करेगा, फाइंड द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट नोड, ये उस नोड की लोकेशन को फाइंड करेगा जो एन नोड से पहले है। और इफ द आइटम डज नॉट अपियर्स इन द प्रोसीजर, सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू नल, मतलब कि जिस आइटम को हम डिलीट करवाना चाहते हैं, अगर तो वो हमें इस प्रोसीजर के दौरान नहीं मिलती, तो हम लोकेशन को क्या सेट करवा देंगे, नल। और अगर वो आइटम हमें मिल जाता है पहले ही नोड में, तब हम क्या इंप्लीमेंट करवाएंगे कि लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड क्या है, नल है, क्योंकि इसके पीछे कोई और नोड है नहीं। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड इज नल। अब इसका प्रोसीजर का जो है फर्स्ट स्टेप, वो क्या कहता है, इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल देन सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू नल एंड LOCP इज इक्वल्स टू नल एंड रिटर्न। अब अगर हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर हमें स्टार्टिंग नोड में ही अगर हमें नल मिल जाए, तो उसका क्या मतलब है कि इसके अंदर ना तो कोई और नोड है जिसको हम डिलीट करवाएंगे, मतलब ये बिल्कुल ही एक एम्प्टी लिंक लिस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, ना तो इसके अंदर वो लोकेशन है, वो नोड की लोकेशन है जिसको हम डिलीट करवाएंगे, मतलब इसकी लोकेशन नल होगी। अब अगर हमारे पास वही नोड नहीं है जिसको हम डिलीट करवा रहे हैं, तो उससे पहले मतलब कोई और नोड होगी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि इधर लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड भी नल होगी, क्योंकि इस केस में हमारे पास ना तो वो मेन नोड है जिसको हम डिलीट करवाएंगे, और ना ही हमारे पास वो नोड है जो डिलीशन वाली नोड से पहले वाली नोड होगी। और इस केस में ये दोनों सेट करने के बाद हम रिटर्न कर देंगे। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, इफ इन्फो स्टार्ट इज इक्वल्स टू आइटम देन सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू स्टार्ट
एंड एल ओ सी पी इज इक्वल टू नल एंड रिटर्न। अब अगर मान लें कि जो आपका आइटम है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, पहले तो लोकेशन फाइंड कर रहे हैं ना उसकी, तो जो आपका आइटम है वो आपका इंफॉर्मेशन पार्ट जो है स्टार्ट नोड का, उसके अंदर अगर आपको मिल जाता है, मान ले कि जो इंफॉर्मेशन पार्ट है स्टार्ट नोड का उसके अंदर अगर आपको वो आइटम मिल जाता है, तब हम क्या सेट करेंगे कि जो हमारी मेन नोड है हम उसको क्या सेट करेंगे, स्टार्ट नोड। हम स्टार्ट नोड को ही अपनी लोकेशन बता देंगे कि हाँ जो स्टार्ट नोड है वही हमारी लोकेशन है, इसके अंदर ही वो हमारा एलिमेंट है, वो आइटम है जिसको हम डिलीट करवाना चाहते हैं। अब इस केस में हमारे पास स्टार्ट नोड से पहले लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्ट नोड से पहले हमारे पास कोई नोड नहीं होती, तो फिर से क्या कंडीशन आएगी, लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड इज नल एंड रिटर्न। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, सेट सेव इज इक्वल्स टू स्टार्ट एंड पी टी आर इज इक्वल्स टू लिंक स्टार्ट। इसका क्या मतलब है, अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने स्टार्ट नोड को नाम दे देंगे, सेट करवा लेंगे सेव, और जो हमारा है पॉइंटर वो अब किस जगह पॉइंट करना शुरू करेगा, जो लिंक पार्ट है स्टार्ट नोड के उसके तरफ। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है, रिपीट स्टेप्स 5 and 6 अंटिल व्हाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल। हमारा जो ये चीज़ कहता है फोर्थ स्टेप कि हमने फिफ्थ सिक्स स्टेप को कब तक कंटिन्यू करवाना है, जब तक हमारा पॉइंटर नल के बराबर ना हो। इसका मतलब है अगर हम लिंक लिस्ट में हैं तो हमारा पॉइंटर जैसे स्टार्ट नोड है उसके बाद मूव करते करते जो लिंक लिस्ट के अंदर हमारी लास्ट नोड क्या होती है, वो होती है नल। तो जब तक हमारा पॉइंटर नल के बराबर नहीं है तब तक हम फिफ्थ और सिक्स स्टेप को कंटिन्यू करते रहेंगे, और अगर वो इसके इक्वल आ जाता है तो तब हम उस फिफ्थ और सिक्स स्टेप को छोड़ देंगे। अब हमारा फिफ्थ स्टेप क्या कहता है कि इफ इन्फो पी टी आर इज इक्वल टू आइटम देन सेट लोकेशन पी टी आर एंड लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड इज इक्वल टू सेव एंड रिटर्न। इसका मतलब है कि अगर आपका जो जिस तरफ अब स्टार्ट नोड के बाद है ना, अगर मान लें पहली तो कंडीशन जो सेकंड स्टेप में क्या थी कि अगर आपका स्टार्ट नोड में ही हमें वो मिल जाता है, अब हमने स्टार्ट नोड को सेव लिख दिया। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है कि अगर आपका जिस तरफ आपका पॉइंटर जिस नोड के ऊपर आपका पॉइंटर अभी पॉइंट कर रहा है उस नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में अगर आपको आइटम मिल जाता है, तब हम उस केस में क्या कहेंगे, हमारा जो है पॉइंटर जिस लोकेशन के ऊपर अभी पॉइंट कर रहा है हम उस लोकेशन को सेट कर देंगे, और जो उससे पहले हमारी जो लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड जो है सेव वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो है हमने स्टार्ट को क्या लिख दिया था, हमने स्टार्ट को नया नाम दिया था सेव का, इसीलिए हम इस जगह जो प्रोसीडिंग नोड है उसका नाम क्या देंगे, लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड का नाम क्या देंगे, सेव, और रिटर्न कर जाएंगे। अब सिक्स स्टेप क्या कहता है कि सेट सेव इज इक्वल्स टू पी टी आर एंड पी टी आर इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ पी टी आर। मतलब कि अब हमारा जो है पॉइंटर वो क्या है, वो सेव नोड की तरफ पॉइंट करना शुरू करेगा, और साथ में ही हमारा जो लिंक ऑफ पॉइंटर है वो हमारा पॉइंटर की तरफ पॉइंट करना शुरू करेगा। सेवन स्टेप क्या कहता है कि अगर आपको लोकेशन मिलती ही नहीं है, कि अगर आप जिस आइटम को ढूंढ रहे हैं अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू नल, और एट स्टेप क्या कहता है, आप रिटर्न कर जाएंगे। अब इसके आगे हम अब इसके एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे, तो एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, कॉल फाइंड डीबी, मतलब कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे उस लोकेशन को, उस आइटम को, कि वो आइटम हमारे इस लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट भी है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम स्टार्टिंग में लिख देंगे कि आइटम इज नॉट इन द लिस्ट, तो हम डिलीशन प्रोसेस लगाएंगे नहीं। अब अगर मिल जाता है तो उसके बाद क्या कंडीशन होगी, पहला जो सेकंड स्टेप है वो क्या कहता है, If location is equals to null and then write item is not in the list and exit, जैसे कि मैंने अभी
पहले बोला कि अगर आपको लोकेशन मिल देता है तो हम क्या लिख देंगे कि आइटम जो है हमारा लिस्ट के अंदर नहीं है और हम एग्जिट कर जाएंगे। और थर्ड स्टेप क्या कहता है, इफ़ लोकेशन इज़ इक्वल्स टू नल, सॉरी इफ़ लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड इज इक्वल्स टू नल देन सेट लिंक ऑफ स्टार्ट और स्टार्ट इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ स्टार्ट। मतलब कि अगर आपके पास प्रोसीडिंग नोड की जो लोकेशन है वो नल है, मतलब अब अगर हमारे पास प्रोसीडिंग नोड की लोकेशन नल होगी, मतलब अब हमारे पास जो मेन नोड होगी वो कौन सी होगी, स्टार्ट नोड होगी, क्योंकि हमने फाइंड प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास मेन लोकेशन जो मेन नोड थी वो थी स्टार्ट नोड, तो उससे पहले हमारे पास कोई भी लोकेशन ऑफ प्रोसीडिंग नोड नहीं थी। तो इसलिए हम इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट नोड है उसके लिंक पार्ट पे हम अपना स्टार्ट का प्रोसेस लगा देंगे, कि मतलब जो स्टार्ट लिंक ऑफ स्टार्ट है उसकी तरफ हम अपना पॉइंटर सेट कर देंगे। और अगर आपका लोकेशन ऑफ प्रोसीडिंग नोड नल नहीं है, मतलब कि आपके पास एक प्रोसीडिंग नोड का नल भी है, तब हम उस केस में क्या करेंगे कि सेट लिंक लोकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग नोड इज इक्वल टू लिंक ऑफ लोकेशन। जैसे कि पिछले वीडियो में भी यही एक लाइन थी, तो उसमें हमने क्या बोला था कि हम जो लोकेशन जिस लोकेशन को हम अब रिमूव कर देंगे, तो उस लोकेशन पे हम अब किस लोकेशन का लिंक सेट कर देंगे जो उससे पिछली नोड थी। तो अगर हम वैसा करेंगे तो हमारे पास जो उस जगह जो स्पेस थी वो कवर हो जाएगी, और जो हमारे पास इधर जो एल्स की कंडीशन है ये भी अब हो जाएगी। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है, सेट लिंक लोकेशन, ये इधर मिस्टेक हो गई, सेट लिंक ऑफ लोकेशन इज इक्वल टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल टू लोकेशन। मतलब कि जो हमने उधर अब नोड डिलीट करवाई, लिंक ऑफ लोकेशन जो लोकेशन हमने रिमूव करवाई, अब हम उस लोकेशन का लिंक को अवेल के अंदर डाल देंगे और लोकेशन को भी हम अवेल के अंदर सेट करवा देंगे। और हमारा फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, एग्जिट, मतलब कि हमारा जो एल्गोरिदम था डिलीशन इन द लिंक लिस्ट विद आफ्टर ए गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ द नोड, वो हमारा इधर ख़त्म होता है। और यही हमारा आज के वीडियो का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली जो है डिलीशन के बारे में बताया है। मेरे को आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट या इंक्वायरी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको सोल्यूशन दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।